सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हुंडई का सबसे प्रीमियम हैचबैक हुंडई i20। दोस्तों, ये हुंडई i20 का आप मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट देख रहे हैं, जो है स्पोर्ट्स। आपको हुंडई i20 में टोटल 5 वेरिएंट्स मिलता है, एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स, एस्टा और एस्टा ऑप्शनल। और दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गया है फ्रंट क्लियर लेंस, हैलोजन हेडलैम्प्स विथ टर्न इंडिकेटर एंड पार्किंग लाइट। फ्रंट में दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है, अपर में आपको दिया गया है अपर ग्रिल, और आपको नीचे मिलता है जो मेन डाउन ग्रिल है। और यहाँ पर आपको दिया गया है क्रोम फिनिश में ह्यूंडई का लोगो। और दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गया है फ्रंट ग्रिल, ठीक है, विथ क्रोम सराउंडिंग। इस गाड़ी में दोस्तों आपको फॉग लैंप्स मिलता है, और यह है इस गाड़ी का फ्रंट बोनट विथ डुअल वाइपर सेटअप विथ वॉशर। दोस्तों, यह है ह्यूंडई i20 का पूरा फ्रंट स्टाइलिश मस्कुलर लुक। तो चलिए अभी देखते हैं ह्यूंडई i20 का साइड लुक। दोस्तों, यह है ह्यूंडई i20 का साइड लुक। आपको दोस्तों, हाँ, आप इस गाड़ी का दोस्तों पूरा साइड लुक देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको पूरा एकदम एक प्रीमियम फील होगा, ठीक है, इस गाड़ी का साइड लुक। और दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलता है R15 साइज रेडियल ट्यूब टायर्स विथ व्हील कैप्स। अगर आप अपर वेरिएंट्स लेते हैं तो उसमें आपको अलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। और दोस्तों, यह है इस गाड़ी का ORVM, ठीक है। ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल और बॉडी कलर, ये तीनों फीचर इसमें आपको दिया गया है, विथ LED टर्न इंडिकेटर्स का फीचर्स भी इसमें दिया गया है। और दोस्तों, ऐसे करके ये फोल्ड और अनफोल्ड होता है, ठीक है, विथ ब्लिंकर्स। और दोस्तों, ये है इस गाड़ी का बॉडी कलर डोर हैंडल्स, और यहाँ पर भी आपको दिया गया है फुल बॉडी कलर डोर हैंडल्स। और यह है दोस्तों इस गाड़ी का पूरा साइड लुक विथ अ डोर बीडिंग। और दोस्तों, ह्यूंडई i20 में आपको फ्रंट में मिलता है डिस्क ब्रेक्स, और रेयर में दिया गया है ड्रम ब्रेक्स। तो चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं इस गाड़ी का रेयर लुक। तो यह है दोस्तों ह्यूंडई i20 का रेयर लुक। और यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया है क्रोम फिनिश में i20 का बैजिंग, और यहाँ पर आपको मिलता है ह्यूंडई का लोगो विथ अ बैक कैमरा, और यहाँ पर स्पोर्ट्स का बैजिंग क्रोम फिनिश में। और दोस्तों, आपको नीचे पेट्रोल इंजन का बैज दिया गया है VTVT, और ये आपको सिल्वर फिनिश में मिलता है। और दोस्तों, ये है ह्यूंडई i20 का रेयर फुल बॉडी कलर्ड रेयर बम्पर विथ 4 रेयर पार्किंग सेंसर। और दोस्तों, आपको रिफ्लेक्टर के साइड में रेयर रिवर्स लाइट दिया गया है। और यह है दोस्तों इस गाड़ी का यूनिक स्टाइलिश रेयर टेल लैंप्स। और आपको दोस्तों पीछे वाइपर और डिफॉगर का फंक्शन नहीं दिया गया है। ऊपर में आपको मिलता है LED हाई माउंटेड स्टॉप लाइट, यहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है, हाई माउंटेड स्टॉप लाइट। और यह है ह्यूंडई i20 का साइड से रेयर का लुक। और दोस्तों, यह है ह्यूंडई i20 का को ड्राइवर साइड लुक। दोस्तों, आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, ठीक है, आपको कितने लीटर्स का फ्यूल टैंक इस गाड़ी में दिया गया है। और दोस्तों, आपको यहाँ पर मिलता है पियानो ब्लैकआउट फिनिश, और यह है पूरा साइड लुक ऑफ ह्यूंडई i20। आपको काफ़ी बढ़िया साइड लुक मिलता है, ठीक है, प्रीमियम हैचबैक का फील इसमें आपको ज़रूर आएगा। और यह है इस गाड़ी का ORVMs। दोस्तों, तो चलिए अभी बात करते हैं इस गाड़ी के कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो इस गाड़ी में दोस्तों आपको मिलता है डुअल एयरबैग, ABS विथ EBD, सेंट्रल लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म, रेयर डोर चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, ठीक है। और दोस्तों, इसमें आपको दिया गया है पैनिक ब्रेक इंडिकेशन और क्रैश सेंसर विथ क्रैश सेंसर। दोस्तों, ये था इस गाड़ी के कुछ सेफ्टी फीचर्स, और पूरा ओवरऑल लुक आप इस गाड़ी का देख सकते हैं। तो चलिए अभी एक बार रेयर लुक को भी और एक बार देख लेते हैं। तो ये है इस गाड़ी का रेयर लुक। तो चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं ह्यूंडई i20 का इंटीरियर लुक। तो इंटीरियर लुक को दोस्तों देखने से पहले, ये है इस गाड़ी का की, ठीक है। इसमें आपको पूरा एकदम अच्छा से एक प्रीमियम की दिया गया है, ठीक है, लॉक और अनलॉक करने के लिए विद अ फ्लिप, ठीक है, विद अ फ्लिप फीचर। तो चलिए अभी इसको अनलॉक करते हैं। तो ये है दोस्तों ह्यूंडई i20 का फ्रंट डोर का लुक, ठीक है। इसमें आपको डुअल टोन डोर का फिनिश दिया गया है, और यहाँ पर है दोस्तों सिल्वर फिनिश में डोर ओपनिंग हैंडल
और आपको साइड में ट्विटर के लिए एक स्पेस दिया गया है। यह है दोस्तों ORVM और पावर विंडो के कंट्रोल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया है ORVM का कंट्रोल और नीचे आपको मिलता है ऑल फोर पावर विंडो के कंट्रोल्स विथ अ विंडो लॉक स्विच। और दोस्तों आपको नीचे मिलता है स्पीकर विथ टू बॉटल होल्डर्स एंड अ मैप पॉकेट। और यह है दोस्तों Hyundai i20 का डुअल टोन फ्रंट डैशबोर्ड का लुक। आपको इसमें ब्लैक और बेज कलर का डुअल टोन मिलता है। तो अभी दोस्तों ये कार ऑन है, ठीक है। इसमें आपको एक वेलकम टोन भी आपको इसमें मिलेगा जो आपको काफ़ी प्रीमियमनेस फील होता है। और ये है इस गाड़ी का पूरा स्टीयरिंग व्हील का लुक। आपको दोस्तों स्टीयरिंग व्हील में कुछ कंट्रोल्स मिलता है और यहाँ पर है दोस्तों AC के वेंट्स विथ शाइनी फिनिश। और यह है दोस्तों इस गाड़ी का MID। आपको साइड में RPM मीटर मिलता है और आपको बीच में एक स्मॉल MID और उस साइड आपको दिया गया है एक स्पीडोमीटर। यह है दोस्तों इस गाड़ी का मिडिल कंसोल विद अ ब्लूटूथ म्यूजिक सिस्टम। आपको बीच में एक स्मॉल LCD डिस्प्ले दिया गया है, ठीक है। उसमें आपको डेट टाइम सब कुछ मिलेगा। और दोस्तों यह है इस गाड़ी का रेयर IRVM, ठीक है, रेयर व्यू मिरर, इंटीरियर रेयर व्यू मिरर। और यह है सन गार्ड और आपको यहाँ पर दिया गया है और एक सन गार्ड विथ अ स्मॉल वैनिटी मिरर। और दोस्तों यहाँ पर है लाइट्स के कंट्रोल्स, ठीक है। और आपको नीचे दिया गया है एक सनग्लास होल्डर। और यह है दोस्तों इस गाड़ी का पूरा तो अभी देखते हैं। हाँ, इस गाड़ी का सनग्लास होल्डर, तो यह है इस गाड़ी का सनग्लास होल्डर। आपको एक काफ़ी बड़ा स्पेस मिलता है फॉर सनगार्ड। और दोस्तों आपको ये जो इंटीरियर जो रियर व्यू मिरर है, ठीक है, इसमें आपको कैमरा का फंक्शन दिया गया है। आप देख सकते हैं आपको साइड में एक छोटा सा चीज़ दिया गया है और ये काफ़ी बढ़िया चीज़ मेरे को लगा, ठीक है। तो और दोस्तों ये है इस गाड़ी का पूरा मिडिल कंसोल, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया है हैजर्ड लाइट के कंट्रोल्स और आपको ऊपर मिलता है डोर लॉक और अनलॉक करने का लिए, ठीक है, एक स्विच। आपको दोस्तों इस गाड़ी में फुल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको इसमें दिया गया है। और यह है इस गाड़ी का ग्लोव बॉक्स। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है चार्जिंग पोर्ट्स विद ऑक्स USB एंड 12 वोल्ट पावर आउटलेट। और दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और आपको यहाँ पर दिया गया है एक आर्मरेस्ट। आपको नीचे दो टू बॉटल होल्डर्स भी आपको नीचे दिया गया है। तो यह है दोस्तों Hyundai i20 का पूरा इंटीरियर फ्रंट इंटीरियर का लुक, ठीक है। और आपको उससे नीचे दिया गया है फ्यूज़ बॉक्स और यहाँ पर है 3 पेडल एक्सेलेरेटर ब्रेक और क्लच। और दोस्तों यहाँ पर है फ्रंट बोनट को ओपन करने का स्विच। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं। हाँ, इस गाड़ी का सेकेंड रो सीट्स, तो यह है दोस्तों इस गाड़ी का सेकेंड रो डोर का लुक, ठीक है। ये भी आपको सेम डुअल टोन फिनिश में दिया गया है और इसमें भी आपको रियर पावर विंडो का स्विच मिलेगा। और ये है इस गाड़ी का इंटीरियर सीट का लुक। तो चलिए अभी दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है रियर AC वेंट्स। और ये है दोस्तों इस गाड़ी का रियर से फ्रंट डैशबोर्ड का लुक। और यह है रूफ, ठीक है। और आपको दोस्तों ऊपर भी एक लाइट दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अभी इस डोर को क्लोज़ कर देते हैं। और दोस्तों चलिए अभी देखते हैं दोस्तों इस गाड़ी का इंजन। तो चलिए अभी देखते हैं दोस्तों इस गाड़ी का इंजन। तो दोस्तों इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर फोर। तो दोस्तों ये है इस गाड़ी का 1.2 लीटर फोर सिलेंडर कापा WVT पेट्रोल इंजन। इसमें आपको 83 PS का पावर मिलता है और 114 Nm का टॉर्क मिलता है और 15 का माइलेज इसमें आपको आराम से मिल जाएगा। तो यह है दोस्तों इसका इंजन का ओवरऑल लुक। और यह है दोस्तों फोर सिलेंडर इंजन, ठीक है, पेट्रोल। और ये इंजन दोस्तों काफ़ी अच्छा इंजन है, ठीक है, Hyundai का, मतलब ठीक है, पेट्रोल में ये काफ़ी अच्छा इंजन है। चलिए दोस्तों अभी इसको क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है, और देखते हैं दोस्तों इस गाड़ी का रियर बूट को एक बार ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों यह है इस गाड़ी का
रेयर बूट, ठीक है। ये आपको ऐसे करके भी इसको आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको मिलता है 285 लीटर्स का बूट स्पेस, ठीक है। आपको इसमें काफ़ी बड़ा बूट स्पेस मिलता है और आपको उसको अंदर में स्पेस भी दिया गया है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, ठीक है, अंदर आपको। तो चलिए दोस्तों अभी इसको क्लोज कर देते हैं। और दोस्तों आप इस बूट को की से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये की में दोस्तों आपको पहले की को लॉक करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। आपको पहले की को लॉक करना पड़ेगा, फिर वो जो होल्ड जो बटन है, ठीक है, उसको आपको कुछ टाइम दबा के रखना पड़ेगा, फिर वो इंडिकेटर्स ब्लिंक करेगा फॉर 3 times, उस टाइम ये बूट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों पूरा एकदम इस गाड़ी का लुक, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन। तो दोस्तों ये गाड़ी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, और काफ़ी रिलायबल भी है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।